केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको देने की घोषणा कर दी है। जुलाई से उन कर्मचारियों को मिलेगा, हालांकि जितना भी लेट होगा उसका एरियर मिलेगा जुलाई के बाद का। लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, महंगाई भत्ते से संबंधित कोई आदेश जारी नहीं किया है, तो इसलिए कर्मचारियों में आक्रोश है। उसी आक्रोश के तहत महंगाई भत्ते का आदेश अब तक ना किए जाने से कर्मचारियों में नाराजगी है। सचिवालय संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर जुलाई के वेतन के साथ बढ़ा डीए जारी करने की मांग की है। वहीं सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, उपाध्यक्ष मुदस्सिर हुसैन, सचिव ओंकार नाथ तिवारी, कोषाध्यक्ष गोपी कृष्ण श्रीवास्तव का कहना है कि गत वर्ष जब केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को जून 2021 तक के लिए स्थगित किया था, तब राज्य सरकार ने बिना देरी किए यहाँ भी तत्काल रोक लगा दी थी। अब जब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 11% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान जुलाई माह के वेतन के साथ करने जा रही है, तब प्रदेश में निर्णय को लेकर देरी क्यों हो रही है? तो इसलिए इन पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे ये गवर्नमेंट क्या करने वाली है। उन्होंने बताया कि सचिवालय सचिव सभी विभाग इस आशा में जुलाई माह का पे बिल रोके हुए हैं कि सरकार इस संबंध में निर्णय करे और जुलाई के वेतन के साथ 11% डीए जोड़कर भुगतान किया जा सके। संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि राज्य कर्मियों के रुके हुए 11% महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत का भुगतान जुलाई के वेतन के साथ करवाने के लिए संबंधित विभाग को आदेशित करें। तो यहाँ पर साफ जो संगठन है, सचिवालय सचिवों का संगठन है, उन्होंने साफ किया है कि जब केंद्र सरकार ने रोका था तब तो आपने भी तुरंत रोक दिया था, लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने 11% देने की घोषणा की है तब आप इसमें लेट लतीफी आखिर क्यों कर रहे हैं।